हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एशियन पेंट्स लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और इसमें हम लोग 1 सितंबर मीन्स थर्सडे को होने वाले इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स प्लस टारगेट की बात करेंगे। लास्ट डे जैसा हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, ये यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होता है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी है और थोड़ा सा नीचे ऊपर होकर अगर ऊपर की ओर जाएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे ये 3360 को ब्रेक करेगा, 3372 एंड 3386 का हम लोग को टारगेट देखने को मिल सकता है। और ऑलमोस्ट जो यहाँ पे लास्ट डे यहाँ पे जो इस दिन 25 की जगह दिन जो यहाँ पे इसने हाई लगाया था, इसको जाके फिर से ब्रेक किया है। मैंने आपको उस दिन एक पॉइंट बताया था, अगर आपको याद होगा तो, कि ये जो पॉइंट जिस तरीके से इसने ब्रेक कर दिया है, इसको अब यहाँ पे ऊपर की ओर ब्रेक करना मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि जब यहाँ ऊपर से आ रहा है तो इसने यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं किया है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बार यहाँ पे इस पर सपोर्ट ले चुका था। लेकिन जब ये ऊपर जाएगा, जिस तरीके से बार बार सपोर्ट ले रहा था ब्रेक करने के लिए, उसी तरीके से ये बार बार रेजिस्टेंस लेगा इसको यहाँ पे ऊपर की ओर ब्रेक करने के लिए। तो अभी देखेंगे ऊपर की ओर ब्रेक करके यहाँ पे ऊपर की इसके आसपास यहाँ पे हम लोगों को क्लोजिंग मिल गई है। मतलब यहाँ पे ये जो रेंज है, ठीक है, ये जो यहाँ पे एक्युमुलेशन जोन है इसका, अब अगर हम लोग यहाँ पे ऊपर की ओर निकलता है तो इसका 1:1 हम लोगों को ऊपर की ओर देखने को मिलेगा, जो कि लगभग लगभग 100 पॉइंट्स है। तो अभी हमारा यहाँ से जो टारगेट निकल के आना चाहिए वो 3500 से लेके ये जो हाई लगा रखा है 3540 का होना चाहिए। एक पॉइंट आप सभी को याद होगा, अगर मैंने जब स्टार्टिंग में बहुत तेजी से भाग रहा था, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैं बोल रहा था कि अभी मुझे डर लग रहा है इस शेयर में कि आने वाले समय में इसमें हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को जरूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर सेलिंग प्रेशर हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा तो इसमें फिर से फ्रेश बायर्स आएंगे नहीं, तो और बहुत बड़ा हम लोगों को टारगेट देखने को नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल सेम देखेंगे, यहाँ पे एक्युमुलेशन जोन अब बन चुका है और यहाँ पे आज ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ऊपर की ओर निकल रहा है। तो अगर फिर से ये इन जोन को बाहर की ओर ऊपर की ओर ब्रेक करेगा तो फिर से हम लोगों को ऐसी रैली एक ऊपर की ओर देखने को मिल सकती है, जो कि हो सकता है इसका ऑल टाइम हाई हम लोगों को आने वाले समय में दिखाए। लेकिन एक बार हम लोगों को ये 3500-4050 का लेवल क्रॉस होने देना चाहिए। यहाँ पे जब प्राइस एक्शन बनेगा उस समय मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो वन डे टाइम फ्रेम पे क्या सिचुएशन बनी है वो भी हम अभी चल के यहाँ पे देख लेते हैं, फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आके लेवल्स हम लोग देखेंगे। वन डे टाइम फ्रेम पे यहाँ देखेंगे ये जो कैंडल है, ठीक है, ये ब्रेकआउट लेवल था, ये हमारा पहला ब्रेकआउट लेवल था जहाँ पे हम लोग बोल रहे थे यहाँ पे सपोर्ट बनेगा। दूसरा जो हमारे पास लेवल था वो था 3200 का, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे सपोर्ट जोन था। देखेंगे इसके बीच में से ही कहीं से इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है गैप डाउन ओपनिंग के बाद, एंड अभी फिर से ऊपर की ओर निकल रहा है। तो अगर ये यहाँ से अगर इस तरीके से देखेंगे तो बहुत ही सही अच्छे तरीके से प्राइस एक्शन बना रहा है। अगर ये इस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट देता है तो आने वाले समय में हमें ये जो 3600 का ऑल टाइम हाई है ये ब्रेक करता हुआ हम लोगों को यहाँ पे 4000 का टारगेट भी देखने को मिल सकता है। क्लोजिंग अच्छी मिली है तो नेक्स्ट डे यहाँ पे ऊपर की ओर मूवमेंट पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये ना हो कि इन लेवल्स इसको फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा और ये फिर से नीचे आ रहा हो, इसीलिए हम मैंने बोला आपको हमें वेट करना पड़ेगा। एक बार ये जब लेवल निकल जाएगा उसके बाद ही हम लोग कोई डिसीजन लेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम में फिर से चले जाते हैं एंड वहाँ जाके हम लोग टारगेट्स एंड लेवल्स इसके देख लेते हैं। तो एक चीज़ हम लोग नोट करेंगे, यहाँ पे जब यहाँ से ये फॉल हो रहा था, राइट, तो अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा तो मुझे ये वाला जो यहाँ पे है, ठीक है, ये जहाँ जहाँ सपोर्ट लिया है, देखिए ये जो ट्रेंड लाइन होती हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। क्यों? क्योंकि ये इन दोनों पॉइंट को यहाँ पे ऐड करके बनी है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो इसने ये जो चैनल बना है इसका सपोर्ट पॉइंट भी यही है, कहीं ना कहीं ये वाली ट्रेंड लाइन का सपोर्ट पॉइंट भी यही है, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी आप आगे आने वाले समय में इस तरीके से ट्रेंड लाइन एक्सटेंड कर लीजिए तो उनके पास अगर एक सपोर्ट बनता है तो ज़्यादा चांसेस है नेक्स्ट सपोर्ट भी उसके पास बन सकता है और इसी तरीके से ये यहाँ पे ऊपर की ओर निकल सकता है। तो अभी हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 3410 अगर ऊपर की ओर ब्रेकआउट होता है, ठीक है, 3410 ठीक है, 3410 का ऊपर की ओर ब्रेकआउट होता है तो ऊपर की ओर हम लोगों को पहला टारगेट 3430 का देखने को मिल सकता है, एंड जो सेकंड टारगेट हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है यहाँ पे अराउंड 3446 का, ठीक है। नीचे की ओर बात करेंगे तो नीचे की ओर अभी सेलिंग प्रेशर आपको लग रहा है किसी पॉइंट पे होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था तो इसके ऊपर आज तो हमें क्लोजिंग मिल गया है। तो अगर हम लोग को सेलिंग प्रेशर देखना है तो ये इस पॉइंट के नीचे मिल सकता है, ये है 3340, ठीक है, तो 3340 के नीचे ही कोई सेलिंग प्रेशर हम लोगों को देखने को मिलेगा। और 3340 अगर यहाँ पे ये ब्रेकडाउन देता है, 3339 रखते हैं, ठीक है, 3340 नहीं 3339 रखते हैं, अगर ये 3339 को नीचे की ओर ब्रेकडाउन करता है तो हम लोगों को नीचे की ओर जो टारगेट देखने को मिलेगा वो यहाँ पे मिल सकता है पहला 25 का, और यहाँ पे दूसरा जो टारगेट मिल सकता है वो मिल सकता है 3310 का, ठीक है।
तो इस तरीके से ये अपना मोमेंटम दिखा सकता है थर्सडे के दिन, यहाँ पे फ्लैट ओपन हो या थोड़ा नीचे ओपन होने के बाद ब्रेकआउट देगा तो अच्छे तरीके से ऊपर प्ले कर सकता है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे मुझे लग रहा है 3480 तक यहाँ पे जाएगा, क्योंकि इन्हीं पॉइंट से या कहीं कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हुए थे, तो हम लोगों को फिर से इस पॉइंट का ये डिफेंड करता हुए दिखेंगे और यहाँ से थोड़ा सा ये फिर से नीचे की ओर आ सकता है। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, आप लाइक करते नहीं हैं, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए टेलीग्राम पे मुझे पिंग करिए या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।